नमस्कार, मैं प्रीति पूजा। कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नेनुआ की कलौंजी बिहारी स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आसानी से बन भी जाती है। तो अगर आप भी एक ही तरह का नेनुआ या तुरई की सब्जी खाकर बोर हो चुके हों, तो एक बार इस तरह से नेनुआ की कलौंजी बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो नेनुआ ले लिया है। सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 20 से 25 काली मिर्च और 2 साबुत लाल मिर्च ले लिए हैं। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे मैंने 2-3 मिनट तक भून लिया है और अब इसके भुनने की एक अच्छी सी स्मेल भी आने लग गई है। फ्लेम को ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है, हम नेनुआ को काट लेंगे। तो सबसे पहले इसके दोनों किनारों को काट कर इसे छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे नेनुआ छील कर तैयार कर लिए हैं। अब नेनुआ के साइज को ध्यान में रखते हुए इसे हम 3 या 4 टुकड़ों में काट लेंगे। अब इस तरह से चीरा लगाएंगे कि पीछे की तरफ से ये जुड़ा हुआ हो। इसके अंदर हमें मसाला भरना है, तो इस तरह से इसके अंदर आसानी से मसाला भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इसे ऊपर की तरफ से 2 कट लगा देंगे और नीचे की तरफ से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह से भी इसके अंदर आसानी से मसाला भरा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे नेनुआ काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। इसे मिक्सी की जार में डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 छोटे से प्याज को स्लाइस में काट कर ले लिया है। इन्हें भी साथ में ही डालकर पीस लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। और अब इसे मैंने पीसकर पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे इस छोटी बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे हम नेनुआ में भर देंगे। इस तरह से इसे खोल लेंगे। अब स्पून की हेल्प से इसके अंदर मसाला भर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरेंगे। एक बार हल्का सा दबाकर जो एक्स्ट्रा मसाला है उसे निकाल लेते हैं। अब एक दूसरे वाले को भी भरकर बता देती हूँ। इस तरह से अंदर तक मसाला भर लेंगे। एक्स्ट्रा मसाले को स्पून की हेल्प से निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे नेनुआ को भरकर तैयार कर लेंगे। बाई चांस अगर मसाला कम पड़ जाए तो बिना भरे ही नेनुआ को बाकी नेनुए के साथ ही पकने कढ़ाई में डाल दें। और अगर मसाला बच जाए तो भी उसे भी भरे हुए नेनुआ के साथ ही कढ़ाई में डाल दें। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारा नेनुआ भरकर तैयार कर लिया है। अब सब्जी बना लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें ऑयल डाल देंगे। 3-4 टीस्पून जैसा ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। इसमें ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, पर इसे किसी भी ऑयल में बनाया जा सकता है। और अब ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1 पिंच हींग डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है। फ्लेम को लो कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। भून लेंगे। अब इसमें 1-1 करके नेनुआ भी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। सारे मसाले और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया है, तो अब इसमें कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है। और नेनुआ अपना ही पानी छोड़ता है और इसी पानी में ये अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो अब ढक्कन बंद करके इसे हम 10 से 12 मिनट तक या फिर नेनुआ के अच्छी तरह से पकने तक पका लेंगे। तो बीच बीच में इसे आप ढक्कन खोलकर चलाते भी रहें। और अब 5 से 60 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नेनुआ ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। एक बार चला देंगे। ढककर वापस इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। और अब इसे मैंने 10 से 12 मिनट तक पका लिया है। ढक्कन खोलकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। नेनुआ अच्छी तरह से पक चुका है, पर इसमें बहुत सारा पानी बचा हुआ है।
तो इसे हम खुला ही पकने देते हैं ताकि पानी थोड़ा सूख जाए। अब इसे मैंने 2 मिनट तक खुला ही पकने दिया है। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे क्योंकि जैसे जैसे सब्जी ठंडी होती जाएगी ग्रेवी गाढ़ी भी होती जाएगी। तो इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हमारी सब्जी तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। और इतनी सब्जी आप घर के 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ सर्व करें। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आज की ये बिहारी स्टाइल नेनुआ की कलौंजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।